2024 के लिए नीतीश का मिशन दिल्ली। खड़गे, राहुल से मुलाकात, पीएम पद पर बार। मोदी विरोधी मोर्चा, नीतीश राहुल चेहरा। विपक्षी एकता का दिल्ली दरबार। दो हजार चौबीस का मिशन दिल्ली में मंथन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। तो दिल्ली दौरे पर थोड़ी देर पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से और साथ ही साथ राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि देश भर की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को एकजुट करने का ऐतिहासिक कदम यह है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दो तस्वीरें जहां पर विपक्ष की एकजुटता की जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के सामने रखी गई हैं और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उसी के साथ आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जो सब लोग थे वो वहां पर मौजूद रहे और उसी दौरान विपक्षी एकजुटता की जो ताकत है इन तस्वीरों के जरिए साझा की गई। आपको बताया, ये दूसरी तस्वीर देखिए, यहां पर ये चार जो बड़े नेता हैं, सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बिहार से दोनों ही जने, और वहीं दिल्ली से अगर बात कर ले तो दिल्ली से राहुल गांधी और वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे। ये पटना टू दिल्ली का जो ये सफर है इन तस्वीरों में कैद होता हुआ दिखाई देता है। दो तस्वीरें हैं, जो मीटिंग हो रही थी उसमें तमाम बड़े नेता जो है विपक्ष के मौजूद थे। हालांकि सभी पार्टियां मौजूद नहीं थी लेकिन कुछ दलों के नेता भी मौजूद थे और ये एक शुरुआत है। इस शुरुआत के बाद जो तमाम विपक्षी पार्टी है वो भी साथ आएंगे। इस तरह की जो बयान है वो दिए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। और तस्वीरें देख लीजिए, सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, आपको बता दें कि यहां पर आने से पहले सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के घर पहुंचे थे और फिर दोनों ही साथ आए। इस जो मीटिंग थी विपक्ष को एकजुटता या एकजुट करने के लिए जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में शामिल हुए। साथ ही साथ मीडिया के सामने रूबरू होते हुए विपक्ष की ताकत को भी दिखाया गया। हम यहां पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलके तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे, ये बात तय हो गई है। और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत, हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है अंतिम तौर पर बात हो गई है, उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। अभी कितने विपक्षी पार्टी एक साथ समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है,
और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे, और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नीतीश कुमार की कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने निशान